कौन आपण सेवती गचरे प्रथम थर फुल फुटी सारा आउ से फुल गुड़ पूरा सुखीगला आपण कौन करेंगे ये कौन खत दबा किपर जत्न नवा जहाद्वारा कि आम सेवती गच आउ थे तार ग्रोथ को बढ़ेब आउ थे से फुल आउ गढ़ भर्ती हे तो डेरी न करके आज वीडियो आप फास्ट लास्ट जाए देखो कारण आज वीडियो में किसी छोट क्या टीप्स भी आपत सेयर कर सहित किसी खत सेयर करशा कर आज मो भिडी भल लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मो सुवासिनी। तो देखिए बर्तमान बर्तमान सेवती गच फुल तो फुटी कि देखते कितने बड़ पोक ये लगी तो एमती बेले बेले ही बेले पोक आसिक रही जाए गचड़ सब खराब मध्य कर दिए कितु आज जो वीडियो अच्छे ना आज मुवती गच प्रायतः बर्तमान समस्त फुल तो फुटी सारे आोर भी कि फुल फुटी सारी तो किसी जो सुखिल फुल अच्छे ना सेवती फुल तो प्रायतः पखापाखि 20-25 दिन रही था किंतु जो सेवती फूल गुड़िक सब सुखी सारी आम से कौन कम करवा जहाद्वारा कि आम जो सेवती गच अच्छी पुणी आउ थे फूल फुटब। तो ये देखिए मोर कुंडे जो मुझे सेवती गच कि लगे थी से बहुत सुंदर भाव बर्तमान पूरा फुटीगला आहरी भी किसी कढ़ अच्छे कि पाखुड़ा अच्छे जो गुड़ी सी भी फुटिज तो देखो के सुंदर ये देखा जागुचना जमी कौन सी गुलदस्ता टाइप्र तो लगुच कि ना कमेंट कर निश्चित जनइबे तो आहरी भी किसी गैप अच्छी गुड़े कढ़ किसी अच्छी जब गुड़े फुटीजी तेज़े जो पत्र कि देखा जाए देखा इमें तो देखो गोटे भी पत्र देखा जाऊना खाली फुल ही फुल देखा जा फिर भी पाखुका देखने गोटे गोटे पाखुड़ा एवं भी अच्छे बहुत सारा सब भर सब आसुच्च महुमाछी सब आसुच्चर फुल रस संग्रह करने जेहेतु ये फुल हालाका हालाका से किसी बास्ना थाए प्रजापति माने बहुत सारा सब इटे आसुच्च बर्तमान पाल किसी कभर करदेवि कारण खरा भी टिके टिके टाण पड़वा स्टार्टिंग देखते कितने सुंदर सुंदर सब प्रजापति सब बुलूँच सेपटे तो चलतु डे न करके आम आम भिडटी को आरंभ करवा। तो ये मो कि सेवती गच्छ सब आने रखीदी जो गुड़िक कि मोर टे तार कलर फेड हाँ को लगला देखी पड़े ये तो ये आम कि कम कर कौन कम सब कर तार केयर किपर कौन ना जहाद्वारा कि आम जो सेवती गच आउ थे ये फ्लावरिंग कर देखो ये बर्तमान मोर के सुंदर देखा जाऊँ ये बर्तमान एवं फुटवा आरंभ कर देखो ये मोर टे कलर फेड हो गला देखी पड़े ये देखते ये नुआ फुटी आ देखो कि पखापाखि 15 दिन हो तो मेन कौन हो आम जो भाव में सनलाइट दबा आम फुलटी केते दिन पर्यंत सतेज रारे ही से डिपेंड कर। तो जदि आप प्रॉपर वे सनलाइट दौंस जमीक प्रायतः अलग जहाँ भी किसी गच अच्छी रखुच्च जपरिकी डालिया पिटनिया एम को सब कौन हुए ना पूरा दिन मान सूर्य किरण आम रखते कारण पिटनिया जो डालिया देखो से फुटी से गुड़िक कौन कि आम डेली डेड हेडिंग जहाँ भी किसी बासी फुल अच्छे आम का कि तार जो फुल अच्छे ना थे फुटी नए तार फुल कंटिन्यूसली फुटी चली थाए कि सी डेली डेली ये फुटी न थाए तो ये एका सांगे फुटे और एका सांगे खत्म मध्य हो जाए। तो एथरु आमको लगातार भाव फुल पाइबाक आमको किसी कम को पड़ो। तो बर्तन आपत गचर कंडीशन भी देखी पड़ते प्रायतः जहाँ भी किसी फुल फुटी से सब यहपर भाव में सुखा लगिगला के सुंदर ये देखा जाता और बर्तमान देखते पूरा कलर यार फेड हो गला। तो जदि यही किसी कंडीशन अच्छी तेल आपन करेंगे पूरा या काटिदेवे ये हूँ प्रथम कम। तो बर्तमान जहाँ भी किसी सेवती फुल सब मोड़ी जा तार कलर चेंज होमें सब जाक काटिद। तो काटा केमी काटाटा हूँ मेन कारण आम जमी काटा से नुआ नुआ डाल बाहर तो से ही हिसाब से डाल काटार सठिक प्रणाली जाणी निहाती दरकार जहाद्वारा कि आपन को नुआ नुआ डाल मिलपार बाकी नुआ नुआ कढ़ मिलपार। तो ये देखते ये हूँ सेवती स्टिक तो यू आम स्टिक सह या पूरा आम कट करदे देखो जब यही टाइप रिच्छे कंडीशन अच्छी तो दिन आम कौन करवा तो स्टिक तल को आम कट मारद। तो जो भी गंठी एरिया अच्छी जस्ट टिके तल पखापाखि कह गले 2 इंच देखो गोटे कि दुटा ये तीन टा गंठी एरिया अच्छे चाहिए आप जो स्टिक अच्छी ना गोटे रू 2 इंच बा जो दुटा पत्र अच्छी से आप कट करें ये पर्यटन। तो जो जो फूल गुड़िक देखो बासी ही जाइए से दुटा पत्र छाड़ी आप कट कर दिंतु
इपर भाव कट करेंगे तले जो सब गंठी एरिया अच्छे से नुआ ना सब ग्रोथ बाहर तो यहपर भाव में प्रथम कि काटिदे देखिपड़ ये मोर सेवती गच के सुंदर भाव ये फुटी जोटा कि मोपाई नुआ बहुत ही बढ़िया कलर देखिपड़े ये बहुत ही बढ़िया कलर बहुत ही यूनिक कलर ये तो बर्तमान या जो कि फुल गुड़िक मोड़ जाए कट करदे तो बर्तमान चाहते आम यूँ काटिद देखते ये भाव में दीटा कि पत्र आम काटिद तो सेवती फुल फुटबार दीटा कि पत्र जो फुटी से दीटा कि पत्र आप छाड़ी कट कर तो यहपर भाव में आम यार कट करदे तो आम आपको पूरा कट करवा ना पूरा आम कट ये करवा ना कारण नुआ नुआ डाल नुआ ना कढ़ भी आसवर चांस अच्छी तो देखो ये फुल गुड़िक सब आम कट करदे या पर आम कौन करवा फुल गुड़िक आप खोपाड़े ना जदि आपर फुल गुड़िक भल अच्छे से कौन से पक लगे ना देन आप कौन करेंगे आपको आप कंपोस्ट बिन सीधा आड करदे जदि आपर पक लगे आप कौन करेंगे सेमती ही छाड़ी दिंतु खरार पखापाखि 10 दिन 15 दिन सेमती ही आप सुखे दिंतु जदि पारे तरह जो पाखुड़ गुड़िक अच्छे ना टे चिरीदे यहपर भाव में एमती चिरीकी आप खरारे सुखे दिंतु तापर आपण या करेंगे जिते आपड़ कौन गच्छ लगे ना तो जो मटी आप प्रस्तुत करोट छोट छोट कुंड जमार भी ये मेथडटा करेंगे ना बड़ बड़ जो कुंड अच्छे पाखापाखि 16 इंच 17 इंच जार सब कुंड आप लगे से आप सब तले प्रथम आप डी छर को कभर करदे देन तापर यो फुल गुड़िक अच्छे से पकईदे पकई सारापर तापर आप नर्माल गार्डन सोइल आड करके देन आप गई लगे पारे जदि पक लगे तेल ये करें छोट कुंड से उपाय करूँ ना बड़ जार कुंड लगे आप 16 इंच 17 इंच तो से टाइप कुंड करेंगे मूल में जहाँ भी कि घास कि अनावान गच उठी आम मूल रू का मूलटा आम पूरा सफा करदे तो बर्तमान देखो सब गुड़िक मुझे कट करदे बर्तमान ये आम मटी को हालाका हालाका किसी सैड रू खोल जेहेतु आम आपको पूरा कट करदे नुआ नुआ ग्रोथ आसवापी एमको किसी खत देवाक पड़ो जेहेतु सेपती गचर कढ़ पाखुड़ा गुड़क हालाका हालाका खोल स्टार्टिंग जितेबाला कला से आम कौन भी खत दिहाई तो से खत जहाँ भी किसी थी सब गुड़ी आम फुल नहीं सारी और जहाँ भी किसी बाकी से छोट छोट कढ़ अच्छे ना से किसी शोषी करके नहीं जाते गच्छे बर्तमान कौन सी भी खत ना तो आम आपको खत देवा निहाती दरकार जहाद्वारा कि नुआ नुआ ग्रोथ आसब तो से प्रथम आम मटी को हालाका हालाका खोली ना देखी पार्थे से मोर सेपते गचर मटी बहुत ही हालुका अच्छी तो यहपर भाव में आम मटी को हालाका हालाका खोली देवा चाहिए ये आप अल्प किसी मटी काढ़ी पारे काढ़ देन आप किसी खत दे पारे तो मुझे यहपर भाव में मटी को टी मूल को सैड करदे जितेबाला आप खोलें ना बहुत ही सावधान सहित खोलेंगे कारण बेले बेले यार सैड्रु सब बेबी प्लांट्स भी बाहरी थाए जदि आपमती किसी अच्छी तेल जमार खोलतु ना आप यार गोटे लिक्विड करके भी देपारे कौन लिक्विड देते से विषय में आगे सेयर करी तो देखो ये भाव में आम मूल को मटी गुड़क सब देदे देखो जो पर्यंत चेर देखा जाऊँ से पर्यटन ही आपको खोल बेस डिस्टर्ब करवा ठीक नुहे तो यहपर भाव में 2 इंच पखापाखि आम खोलीदे बर्तमान ये आम खत दबा तो प्रथम आम दबा ये हूँ पाउँश तो यहपर भाव में मो पाउँश पखापाखि गोटे चामच मुझे तो एपट सैड्रे देवी देन तापर एपट सैड्रे देवी तो दुईपाख सैड को भल भाव खत देवी तो गोटे चामच पखापाखि ये मुझे पाउँश देदे ये हूँ काठर पाउँश तापर अध मुठी पाखापाखि मु गोबर खत देवी जोटी आम पाउँश दे तार ही अध मुठी गोबर खत आड करवा देन तापर अध मुठी आम पत्र खत आड करवा आपखे जब पत्र खत अच्छी तेल दिंतु ना आप स्कीप करेंगे नर्माल केवल आप गोबर खत ही पाउँश मिसेक दे दिंतु जब पाउँश ना या बदल हलदी आपर तो खत दे सारापर कौन करवा ये मटी को आम याद पुणी से सेम मेथड्रे इपट सैड कोमती खत किसी देदे दे सारापर मटी को पुणी ए कभर करदे ना आप यार अधा मटी खोलिक खत अप्लाई करें
ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ନା କି ଫୁଲ ଆଉ କଢ଼ରେ। ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ ବଢ଼େଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମେଥଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ହିଁ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ, କାରଣ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବାହାର କରିବ, ବା ତଳୁ ନୂଆ ନୂଆ ବେବି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବି ବାହାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଜମାରେ ବି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଏ ଫ୍ଲାୱରିଂ କରିସାରିଲାଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଦେନ୍ ଇଏ ଫ୍ଲାୱରିଂ କରିବ। ମୁଁ କିଲର ନାମକ ଗୋଟେ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼ ଆଣିଛି, ୟାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପତ୍ରର ଆଗପଟ, ପତ୍ରର ପଛପଟ, ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇଦେବା। ତ ଆପଣ ଏହି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼କୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ରହିବ।